नमस्कार दोस्तों मैं मनसारामराम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस एम ग्रुप पर बात करेंगे इलाहाबाद कोर्ट भर्ती 2022 के बारे में ग्रुप सी का पेपर जो है आज 18 दिसंबर को समाप्त हो चुका है कंप्लीट एनालिसिस के साथ हम आ चुके हैं पेपर का लेवल देखेंगे कट ऑफ क्या हो सकती है और स्टूडेंट्स uh, को कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी एग्जाम टाइम में सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि पल पल की खबर और हर एक इंफॉर्मेशन आपको सही समय पे सटीक तरीके से मिलती रहती है तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर कुंजी यहां पे सबसे पहले हम हिंदी सेक्शन को 25 क्वेश्चन जितने भी हैं उनको हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला कि क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह क्या है तो यहां पे ए सी डी ई ए सी ई का मतलब है ए सी और डी और ई e. यहां पे हो जाएगा लाल पीला होना नेक्स्ट हो जाएगा खून खोलना आग बबूला होना और दांत पीछना ये सभी क्रोध के मुहावरे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे 27 नंबर अर्थालंकार अलंकार के भेद हैं तो यहां पे उत्प्रेक्षा इसका अलंकार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है कि मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं तो यहां पे हो जाएगा दर्शनीय ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि ऋण से युक्त तो यहां पे अगर हम मैच करें तो ए का फोर हो जाएगा यानी कि ऋण से मुक्त तो इसमें होगा तत्पुरुष समास बी में हो जाएगा तीसरा यानी कि मुख्य है जो मंत्री यानी कि यहां पर कर्मधारे समास हो जाएगा समय के अनुसार अब बेभाव समास होगा और सीता और राम यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट यहां पे थर्टी नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है ए में तीसरा है ए में तीसरा यानी कि कवि प्लस ईश्वर कविश्वर हो जाएगा कभी प्लस इंद्र हो हो जाएगा वेद प्लस अंत यहां पे वेदांत जाएगा और शिव प्लस आलय यहां पे शिवालय हो जाएगा ए में तीसरा ही आप पकड़ पाते तो आप आराम से यहां पे क्वेश्चन कर पाते देखिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है कि टाइम जो है स्टूडेंट्स के बाद कम पड़ गया है क्योंकि यहां पे जो मैथ का लेवल था वो काफी कैलकुलेटिव मैथ पूछी गई है अगर हम ओवरऑल पेपर की लास्ट में बात करेंगे और कट ऑफ के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा हम सब कुछ करने के बाद ही आपको करवाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे, तो पे, यह पे बर्थनी कौन सा सही है तो यहाँ पे नीरसता बिल्कुल सही लिखा हुआ है नेक्स्ट यहाँ पे मोटापा और बुढ़ापा में पूछा गया है प्रत्यय आपा प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट यहाँ पे ला उपसर्ग के बनने से यहां पे शब्द नहीं है तो यहां पे लाटरी में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है नेक्स्ट यहां पे सेठ का स्त्रीलिंग तो सेठानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आप अपने अनुसार यहां पे मैच कर सकते हैं अगर इस पैराग्राफ को जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं यहां पे और इसके बाद यहां पे आंसर की बात करें तो पराधीन व्यक्ति की विशेषता है यहां पे आप देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है नेक्स्ट यहां पे है प्राणी की प्रवृत्ति तब कुंठित हो जाती है जब पराधीन हो जाता है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट है यहाँ पे पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी का अपहरण कर लेता है तो यहाँ पे हो जाएगा सोचने समझने की शक्ति को नेक्स्ट यहाँ पे है सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वाधीनता हो जाएगा answer, तीसरा ऑप्शन, नेक्स्ट है पे घुमा घुमा के पूछा गया है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे तो बी डी यहां पे बिल्कुल सही है अस्त का उदय हो जाएगा अरुचि का रुचि हो जाएगा आविर्भाव का तिरोभाव अनुरक्ति का विरक्ति इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि होनहार बिरवन के हो चीखने तो होनहार हो के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं नेक्स्ट पे रेखांकित के कारक भेद के को चुनना है तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा मैंने राधा को पुस्तक दिया इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पेट परीक्षा में पूछा गया था तो वहां पे आयोग ने संप्रदान माना था इसीलिए यहाँ पे संप्रदान ही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेखांकित विशेषण का भेद है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहां पे अनिश्चित हो जाएगा तो अनिश्चित परिमाण वाचक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है यहां परिमाण वाचक होना चाहिए यह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नेक्स्ट यहां पे है पर भविष्य के भेदों का उचित विकल्प बताना है तो तीन प्रकार के होते हैं सामान्य भविष्य काल संभाव भविष्य काल और हेतु हेतुमद भविष्य काल होता है तो पहला ऑप्शन यहां पे राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट यहां पे नाना जी फल खरीद कर घर आए तो यहां पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी खरीद कर यहां पे पूर्व पहले खरीदा फिर जो है यहां पे घर गए तो यहां गाय पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी नेक्स्ट यहां पे है कौ, बाहर कौन आया अब इसको आप मैच करेंगे तो यहां पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ए में फोर यानी कि बाहर कौन आया क्वेश्चन वाला है तो यहां पर प्रश्नवाचक हो जाएगा बी में एक हो जाएगा यानी कि वह अपने आप चला गया तो अपने आप आप जो है यहां पर निजवाचक को डिनोट कर रहा है नेक्स्ट यहां पे यह ले आओ जाओ यह ले जाओ तो यहां पे दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक और मैं कल चला जाऊंगा यहां पे हो जाएगा पुरुषवाचक तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा चार एक दो तीन नेक्स्ट यहां पे अड़तालीस नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है तो यहां पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नेक्स्ट यहां पे जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है तो यहां पे देखिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है लेकिन यहां पे चौथा ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है देखिए आप लोग पिन कमेंट एक बार जरूर चेक कर लिया करें क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं तो उनको हम पिन कमेंट में जो है कंफर्म कर देते हैं तो उसको आप एक बार देख लिया करें नेक्स्ट है यहाँ पे जिज्ञासु तो जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला परोक्ष का मतलब जो आंखों के सामने ना हो असक्त का मतलब जिसमें शक्ति ना हो और निशाचर का मतलब रात में घूमने वाला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तीन चार दो एक तो इस प्रकार से हिंदी के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कितने सही हैं आपके 25 में से और ओवरऑल कितने सही हैं जिससे कि कट ऑफ का एनालिसिस करने में काफी जो है दिक्कत ना हो और अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल देखिए मॉडरेट लेवल का पेपर था टाइम कम था अगर क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए तो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे गए थे इस बार बाकी सब्जेक्ट के एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहेंगे इसके बाद आपको मैथ का मिल जाएगा उसके बाद जीएस का मिल जाएगा और इंग्लिश का भी मिल जाएगा आप लोग पूरा जो है मैच कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच